विंडो के ऊपर भाग गया, ऊपर भाग गया, बदलो आगे। और इसमें है छोटू। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम आकाश है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है मैं नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में हूँ। सो आज एक और एक्साइटेड वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज आज हम निकल गए हैं थोड़ा लोकल स्टाइल में हंटिंग करने जंगल में। और क्या हंटिंग होगी वो वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो में बने रहो। भी कहते हैं इसको ये है वाटर तो अभी मैं आ चुका हूँ जंगल के बीचों बीच और यहाँ पे हम पकड़ने वाले हैं केकड़े। यस, यू हर्ड इट राइट, क्रैब्स। यहाँ पे फ्रेश वाटर के साथ में बहुत सारे ऐसे क्रैब्स रहते हैं, हम उसी क्रैब्स को पकड़ने आए हैं। एंड ये मेले तो पहला दिन है, काइंड ऑफ यू नो मुझे इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं है, बट आज मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। क्रैब का बच्चा, ये देखो क्रैब। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से वाटर स्ट्रीम जैसे रहते हैं, वाटर स्ट्रीम के साइड में जहाँ पे भी मतलब सूखा जगह रहता है वहाँ पे ये बेबी क्रैब्स आ जाते हैं। अभी मामे ने हमें बिल्कुल फुल जंगली स्टाइल जैसे मेंढक ऐसे पकड़ा, क्योंकि वो पानी का मेंढक है, सो दैट इज़ लाइक सेफ टू ईट। अभी मेरी बारी है, क्योंकि क्रैब से मुझे लगता है कि मेरा हाथ को काटेगा, तो सेफ्टी फर्स्ट। ये फुटबॉल का ग्लव्स है, मैं ये पहनूंगा हाथ में और मैं भी पकड़ूंगा क्रैब। आओ, पानी है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, मज़ेदार। ग्लव्स पहन के मैं हूँ रेडी क्रैब पकड़ने के लिए और बहुत मज़ेदार फीलिंग है, क्योंकि देखो इसमें पानी में से स्ट्रेट चल रहे हैं, क्रैब तलाश कर रहे हैं। तो मुझे बताया गया है मुझे पत्थर जो है वो हटाने हैं और उसके नीचे मुझे क्रैब मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे यार क्रैब नहीं मिल पा रहे, ये लोग तो काफ़ी पकड़ रहे हैं। आई थिंक मैं दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ मैं क्रैब मिल पाए। इस पत्ते में खाना खाना है क्या मामे? मेरा बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाला ट्रेनिंग चल रहा है। अभी मामे पीछे पत्ते तोड़ रहे हैं, जिस पत्ते पे हम खाना रख के खा सकते हैं। तो जो पत्ते हमने अभी तोड़े थे उस पत्ते में मुझे खाना मिल चुका है। ये खाना हमने यहाँ बनाया नहीं है, खाना हम घर से लेकर ही आए थे, बट ये पत्ता वही वाला है जो अभी हमने तोड़ा था थोड़ी देर पहले। और इसके संग है बिल्कुल घर का सोयाबीन, आलू। और मैं बैठा हूँ बिल्कुल रोड के साइड में, पीछे से आ रही हैं गाड़ियों, तो मैं खा रहा हूँ मस्त खाना अपना, चटाई बिछा के। एक मिनट को दिखाता हूँ साइड बैठे हैं, बहुत बढ़िया मज़ेदार खाना है। खाना पीना हो गया और अब है रेस्ट का टाइम, आराम से आप रेस्ट करो, सो जाऊँ थोड़ा। One eternity later. बहुत हो गया रेस्ट, अब हमें दूसरी लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमें करना है केकड़ों का शिकार। हाँ जी, तो फिर दूसरी लोकेशन जंगल पार्ट टू में आ चुके हैं। ये क्या बहुत बड़ा है, देखा है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, किधर है बड़े वाला? और बाबा रे, बड़ा है, बड़ा भाई बड़ा, इधर दिखाइयो। ये जंप हम तो नहीं मार के बाहर आएगा? बाप रे भाई, कितना बड़ा क्रैब पकड़ा। पत्थरों के नीचे मिल रहे हैं क्रैब, मामे लोग पकड़ रहे हैं बड़े बड़े क्रैब। और आकाश को मुझे मिला है 0 अभी तक, मेरा स्कोर है 0। 0 ना, वो भी ग्लव्स पकड़ के ना, डर करके। अब मुझे को पूछते हो ये दिखा दो मामे को, मेरा पहला क्रैब, ये देखो मेरा छोटा क्रैब। मैंने बड़ा पानी पानी में से किचड़ पिचर में पैर डाल दिए। ओए इधर कुछ चल रहा है, मेरे क्रॉक्स में कुछ आ गया है। ओए मेरे क्रॉक्स में, ओए क्रैब, मेरे क्रॉक्स में क्रैब है। टे 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 टे
कितना प्यारा है ये। पानी में चलते चलते मेरे क्रॉक्स के अंदर क्रैब आ गया, वो भी छोटा सा, तो लाइक वो मेरा दूसरा क्रैब हो गया जो मैंने पकड़ा है। अब हमें जाना पड़ेगा इतने डेंस अंदर जंगल में, घनों में। खिलाड़ी मेरे जंगली हैं। हाँ भाई साहब, अंदर एक बड़ा केकड़ा है और छोटा केकड़ा है, बहुत सारा। मेरे भाई लोग तो दबा दब केकड़े पकड़ रहे हैं। और इसके ऊपर एक कहानी है कि इस डब्बे को अगर मैं खुला भी रख दूँ ना, तो भी इसमें से एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जो भी बाहर निकलने का ट्राई करेगा उसे दूसरा केकड़ा पकड़ के खींच लेगा। तो डब्बा खुला भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्रैब ये बिल्कुल जंगल में बिल्कुल ले आए, क्रैब पकड़ते पकड़ते हम लोग पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए। मैं छोटे छोटे क्रैब तो पकड़ पा रहा है अभी भी, बट अभी मेरा एम है एक बड़ा क्रैब पकड़ना, जो आज की शिकार का सबसे बड़ा क्रैब हो, तो मुझे क्रैब ऑफ द डे अवार्ड मिल जाएगा। नो, फंस गया। अब काफी इंटरेस्ट आ गया वैसे किचर पिचर में घुस घुस के। खिलाड़ी मेरे जंगली हैं। हाँ ऊपर से जो पानी का स्ट्रीम है वो इस तरफ आ रहा है, एंड यहाँ पे शेड होने की वजह से क्रैब जो पत्थरों के नीचे छुपे हुए मिल रहे हैं, तो हम वही ढूंढ रहे हैं। तो आपके उसको अगर कोई और टेक्निक हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ क्रैब पकड़ने के लिए, बिकॉज मेरा तो फर्स्ट टाइम है। इट्स आई एम एंजॉयिंग इट। ओए कितना बड़ा है ये बहुत बड़ा एक्चुअली। दीवार के साइड में पैर रख के ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा। बंद करो बंद करो। आगे के हाथ देख उसके कितने बड़े बड़े हैं, है ना। मेरे जंगली शिकारी लोग, मेरे भाई लोग, काफी इंटेंस जंगल है भाई, बिल्कुल जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। नेचर में आके भाई नेचर को सबमिट कर दो और मदद मांगो, वो रास्ता दिखा देगा। खिलाड़ी मेरे जंगली है। हाँ काफी जंगल जंगल बात चली और पैर में लीच लीच हो गई है यार। इधर 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 छिपकली जैसा, कुछ सांप जैसा। इधर गिर रहा, इधर 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 है। पैर में लग गई थी लीच, लकीली मेरे पास था सैनिटाइजर, मार के सैनिटाइजर से उड़ा दिया। और एक बड़ी सी अजीब सी छिपकली सी दिख गई थी, कभी देखी नहीं थी, सांप थी छिपकली थी पता नहीं क्या था। चलो जी चलो, जंगल है भाई, जंगल में कुछ नहीं बोल सकते, जंगल उनका घर है, हम तो गेस्ट है गेस्ट। ये क्या मामी? मामी ने मुझे लगा दिया कोई जड़ी बूटी पैरों में, तो अब मुझे लीच नहीं पकड़ेगा। थैंक यू मामी। अबे अबे, ओह केचर पेचर बहुत है यहाँ पे भाई। मैं एक बेबी क्रैब पकड़ रहा था, बट मेरे दोस्त लोग भग गए, तो मैं भी फटाफट निकल रहा हूँ। अनिला रुको रे, बहुत जोर से गिर गया, हम स्लीप मार गया पूरा। अरे मरे, अरे भाई जंगल में कहाँ पे कैसे होता है व्लॉग भाई, और सीख लो क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। आई आई मेरा पैर फंस गया, अभी बहुत जोर से गिरा था, क्रॉस पूरा गीला हो गया।
पैर मेरे स्लिप हो रहे हैं, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है भाई हालत बहुत टाइट है। और क्रॉक्स बिल्कुल फेल हो चुके हैं क्योंकि क्रॉक्स के अंदर एक तो ऐसे जो छोटे छोटे देखो लीच, इस साले लीच लीच ने बहुत खून पी लिया। पकड़ लिया बोरा, बट फिर भी मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। इसका ढक्कन लगा दो, ऊपर भग गया, ऊपर भग गया, बदलो आगे मुत्तर में कुआ बड़ा बड़ा। हां बहुत बड़ा था ना। हां कहां गया, एकदम से ऊपर चढ़ गया वो। इधर आओ, बड़ा वाला है इधर ना, मैं बहुत मुत्तर में इधर ना 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 बड़ा वाला। यस आई एम सो हैप्पी कि मुझे भी बड़ा वाला मिला, मैंने नहीं पकड़ा मजा ढूंढा तो सही। हाँ एम यही है कि बस हम दो डब्बे भर के ग्राफ घर लेके जाएं, दो डब्बे भर के। एक दिन ही है, नीचे का बस है ना। नहीं है बाहुबली बोले माने ना का है। हाँ बाहुबली वाइस नाम है पाए वाइस। ओवरऑल केकड़ा हंटिंग भाई बहुत मजा आ रहा है बिकॉज ऐसा डेंस जंगल मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, मैं कभी ऐसे गया भी नहीं है। हाँ मैंने ग्लव ज़रूर पहना है बट केकड़ा पकड़ने में मज़ा आ रहा है। और पूरा डेंस जंगल है, ऑलमोस्ट अभी अंधेरा होने को है, तो अंधेरा होने से पहले हम लोग भाग लेंगे ऐसे क्योंकि अंधेरे में रास्ता और टफ हो जाता है। ओह भाई फाइनली इतना चलने गिरने के बाद ये एक्साइटिंग वीडियो कम्स टू एन एंड। हाईवे आ गया बढ़िया था आकाश, पूरा पैर में लीच लीच लीच। हम इधर भी देखो पैर के पीछे, मामा ने मेरे निकाल दिए लीच सारे, ऑलमोस्ट खूनम खान हो गया पैर। सो ये एक्साइटिंग शिकार जो है ये पॉसिबल हो पाया है मेरे मामे लोग की वजह से, एंड थैंक्स टू यू मामे लोग बिकॉज यही मेरे कोच लोग हैं, इन्होंने मुझे आज सिखाया कि कैसे क्रैप पकड़ना है, किधर पत्थर हटाना है, क्या करना है करके। तो क्रैश कोर्स मेरा पूरा हो गया, तो आज मैंने सीख लिया। एंड मामी लोग दिखाओ हमने क्रैब कितना पकड़ा है, ये देखो इस पूरे डब्बे में क्रैब है भर भर के, इसमें भी। ये मामे का पर्सनल डब्बा है, देखो हमारे वाले से हमारा डब्बा छोटा सा, इनका डब्बा देखो कितना बड़ा। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत एक्साइटेड मैं हो रहा था और थोड़ा थक भी गया था और मैं गिरा भी बहुत बार, और मज़ा आया ऑब्वियसली, एक्सपीरियंस हो गया यार। तो अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अगर हो सके नोटिफिकेशन सब फ्री है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मेरा नाम आकाश है, मिलते हैं किसी और वीडियो में अरुणाचल प्रदेश में, बाय। क्रैब करी, वाह भैया वाह, ये है क्रैब करी। क्रैब भी कह रहा है वाह, व्हाट अ क्रैब। काफी टेस्टी हमने बना दिया, अभी देख के खा के पता चलेगा कैसा क्या है। और अभी अंडे की भुजिया बनाने जा रहे हैं क्योंकि खाना है हमें अंडे का भुजिया भी। ओके सो हियर इज माय फूड, दाल, क्रैब, सम एग, सम राइस and crab. पहली बात यार ये मेरा फर्स्ट टाइम है क्रैब खाने में, सो आई एम नॉट टू श्योर कि ये कैसा होएगा क्या होएगा, बट आई एम गोना ट्राई। ओके थोड़ा सा खा के देखिएगा पहले क्या। मिर्ची बहुत है। क्रैब अप्रूव्ड, बहुत टेस्टी है। क्रैब तो मज़ेदार है यार, फर्स्ट टाइम क्रैब खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यम अप इन। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो अगर देखना है मैंने अरुणाचल के जंगल में क्या ढूंढा।